हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है थायराइड पेशेंट के लिए डाइट प्लान क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, थायराइड क्या होता है, हाइपोथायराइड क्या होता है, इसके बारे में मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे कि थायराइड पेशेंट के लिए डाइट प्लान क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, जो भी थायराइड पेशेंट होते हैं उन्हें लगता है कि अब उनका वेट गेन होता जाएगा, अब उनका वेट कभी कम नहीं होगा, इस बात के लिए वो बहुत चिंतित होते हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे उन्हें चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो मैं डाइट प्लान बता रही हूँ अगर वो डेडिकेट होकर उस डाइट प्लान को फॉलो कर लेते हैं उनका वेट 100% कम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं वो डाइट प्लान क्या है। फ्रेंड्स, थायराइड पेशेंट के लिए डाइट प्लान में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वो किस किस चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्या क्या चीज़ें वो नहीं खाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ग्रीन वेजिटेबल में बात करेंगे, गोभी। फ्रेंड्स, वो सारे ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं लेकिन गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली ये नहीं खाएंगे वो। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जंक फूड में, सोया जंक वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, जितने भी सोया प्रोडक्ट होंगे वो बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें वो अवॉइड करेंगे। और फ्रेंड्स, क्या वो खाएंगे जिसकी वजह से उन्हें अपने हार्मोन लेवल को मेंटेन करने में मदद मिलेगी, उनका हार्मोन लेवल जो थायराइड हार्मोन है उन्हें मेंटेन करने के लिए वो क्या चीज़ें खा सकते हैं जिससे उनको इफ़ेक्टिव बेनिफिट्स मिलेंगे। वो फ्रेंड्स अपने डाइट में सिलेनियम कंटेनिंग फ्रूट या फूड खाएंगे, जैसे एग्स, वो एग्स का सेवन करें। अगर वो अंडे नहीं खाते हैं तो ग्रीन साबुत आता है जिसमें सिलेनियम पाया जाता है, वो उसका सेवन करें। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वो ब्राउन राइस का यूज कर सकते हैं, उसमें वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और फ्रेंड्स वो कर्ड को खाएं, मतलब दही में आयोडीन पाया जाता है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है थायराइड पेशेंट के लिए, दही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वो खा सकते हैं नट्स में वो सारे नट्स खा सकते हैं सिवाय मूंगफली को छोड़ के, पी नट्स को छोड़ के। ओके फ्रेंड्स, ये सारे डाइट अगर कोई थायराइड का पेशेंट डेडिकेट होके वो डाइट को फॉलो करता है अपने मेडिसिन के साथ तो अपने वेट को वो कम कर सकता है, 100% वेट कम होगा। डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है वेट को कम करने में, इसलिए फ्रेंड्स अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड के तो सुबह खाली पेट मेडिसिन ले लिया करिए, उसके 45 मिनट बाद आप डाइट लीजिए। आप कुछ जैसे मैंने आपको डाइट बताया है आप उसके अकॉर्डिंग अपने डाइट को लीजिए। जब भी मेडिसिन ले रहे हैं फ्रेंड्स तो उसके 45 मिनट बाद ही आप डाइट को लेंगे, वरना आपका मेडिसिन भी इफेक्टिवफुल नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फ्रेंड्स।